हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश और आपके लिए मैं एक नया ऑटोमोटिव वीडियो लेके आया। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल न्यू 2020 महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में, जो फर्स्ट टाइम इंडिया रोड के अंदर स्पॉटेड हो गई है। मतलब हाल ही में इसका जो टेस्टिंग चल रहा है और मैं इसके इमेजेस आपको दिखा नहीं सकता कॉपीराइट रीजंस की वजह से, पर जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और आप ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि जो महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो में क्या क्या नए फीचर्स है। तो आप ये वीडियो स्किप मत करना और एंड तक देखना। तो सबसे पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में बात करूँ तो इसका जो कोड नेम है वो Z101 के नाम से है, और ये शोरूम में नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो सकती है, मतलब 2020 के अंदर लॉन्च होने वाली है, इसीलिए अभी इसका टेस्टिंग चल रहा है। तो चलिए मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के सारे डिटेल्स के बारे में बात करूँ। सबसे पहले मैं महिंद्रा के स्कॉर्पियो के अगर और महिंद्रा स्कॉर्पियो के अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो इसमें फ्रेशली अपडेटेड लेदर फ्रेम चेसिस के साथ आएगी, जिसमें ऑल न्यू बॉडी पैनल्स और न्यू डिज़ाइन के साथ आ सकती है। और जो महिंद्रा स्कॉर्पियो के फ्रंट में और भी चेंजेस है, जैसे कि अपराइट नोज और अपराइट ग्रिल डिज़ाइन है जिसमें कुछ चेंजेस किए हैं, और नॉर्म्स के हिसाब से आ रहा है जो October 1, 2020 से अप्लाई होने वाला है, इसलिए इसमें थोड़े बहुत चेंजेस ही किए गए, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। और जो न्यू स्कॉर्पियो है वो साइड हिंजेड डोर के साथ वर्टिकल प्लेस टेल लाइट के साथ आएगी, और इसमें रियर बम्पर डिज़ाइन और फ्रंट बम्पर डिज़ाइन में चेंजेस हो सकते हैं। और मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो 2020 के अगर इंटीरियर के बारे में बात करूँ तो इसमें कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन फॉरवर्ड फेसिंग थर्ड रो ऑल वेरिएंट्स के साथ आएगी। और जो इसका इंजन है उसके में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, बट मैं बता देता हूँ जो महिंद्रा स्कॉर्पियो का जो न्यू इंजन है उसमें 2.0 लीटर BSVI कंप्लीएंट डीजल इंजन आएगा, जो 170 NM का पावर और 400 NM का टॉर्क जनरेट करेगा। और जो ये इंजन है वो नेक्स्ट जेन XUV500 में भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी नया इंजन है। और जो ये इंजन है वो 6-speed गियरबॉक्स के साथ और मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में हमें मिल सकता है। और जो ऑल न्यू स्कॉर्पियो 2020 है वो हमें ऑटो एक्सपो 2020 के अंदर भी अगर शोकेस की जा सकती है, और उससे पहले भी लॉन्च हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही ऑटो एक्सपो में शोकेस होने के बाद ही इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करेगी। तो बस आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो में डिटेल्स काफ़ी कम थी, बट मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, क्योंकि जो ऑल न्यू वेरिएंट है वो जल्दी स्पॉटेड हुआ है, मतलब ये लॉन्च होने के करार पे ही है, तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाए, ताकि हमारे हर चैनल के आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपके पास जल्द से जल्द मिले। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।